पटना में विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज के विरोध में भाजयुमो ने महाराजगंज में हस्ताक्षर अभियान चलाया। हस्ताक्षर अभियान के शुभारंभ सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने किया। यह हस्ताक्षर अभियान 9 अगस्त तक चलेगा, जिसके बाद ज्ञापन के रूप में राज्यपाल को सौंपा जाएगा। इस हस्ताक्षर अभियान भाजयुमो के मनीष सिंह, अमरजीत सिंह, सुप्रिया अवधेश पांडे, मृत्युंजय राज आदि के सहयोग से हुआ और पटना में शांतिपूर्ण मार्च पर हमला कराया गया। इसमें इन पार्टी के एक कार्यकर्ता की भी मौत हो गई। इस जुर्म का हिसाब बिहार की जनता लेगी। लाठी के बल पर ये गठबंधन की सरकार भाजपा को रोकना चाहती है। सरकार शांति मार्च को लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है। भाजयुमो का हस्ताक्षर अभियान और महाराजगंज वासियों व कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। अच्छा अभियान का अभियान चलाया गया है महाराजगंज। देखिए 13 जुलाई को जो लाठी चार्ज हुई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित जो विधानसभा मार्च था, उसमें हत्या और शांतिपूर्ण मार्च कर रहे लोगों के ऊपर वही एक प्रयास था बिहार की आवाज़ को दबाने का। बिहार के शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुए, बिहार के किसान सलाहकारों पर लाठीचार्ज हुए, बिहार के सरपंच संघों और सरपंचों पर लाठीचार्ज हुए। जो कोई अपनी बात और सरकार की विफलता को उठाते हैं उसके ऊपर बर्बरतापूर्वक के लाठीचार्ज उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आपके लाठी से और गोली से बिहार की जनता दबने वाली नहीं और बिहार की आवाज़ को आप इससे दबा नहीं सकते। आप समस्याओं का निदान तो करिए। आपने तो कहा था और जिसके साथ आपने गलबहियाँ किया उन्होंने कहा था कि मैं सरकार में रहूँगा तो एक दिन में 10 लाख मैंने लोग बेरोजगारों को, नौजवानों को नौकरी दूंगा। वो नौकरी का क्या होगा, कितने लोगों को आपने नौकरी दी। काफ़ी हस्ताक्षर अभियान महाराजगंज में चलाया जा रहा है। महाराजव्यापी हस्ताक्षर अभियान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी वर्तमान सरकार द्वारा जिस तरह बर्बरतापूर्वक हमारे द्वारा चलाए गए भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा, भाजपा नेता द्वारा चलाए जा रहे शांतिपूर्ण मार्च में जो उन्होंने लाठीचार्ज किया, हमारे माननीय शिक्षकों पर जो उन्होंने लाठीचार्ज किया, विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हो रही है और देखा जाए तो हर जगह अशांति फैली हुई है। बिल्कुल जंगल राज वापस आ रहा है। तो इन सब के विरोध में हम उनके लाठी के बदले अपना कलम से जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, इस हस्ताक्षर अभियान का कारण क्या है? सबसे पहले मैं बिहार के तमाम जनता, माताओं, बहनों और युवा शक्तियों को हार्दिक अभिवादन करता हूँ कि इस हस्ताक्षर अभियान को सफल उन्होंने बनाया और गोली और लाठी का जवाब हस्ताक्षर के द्वारा दिया। हमारे सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी आए हुए थे और उन्होंने कहा कि हमें बर्बरतापूर्वक पीटा गया और मारा गया, लाठी पैरों के नीचे ऐसे भी चलाया जाता है, सर के ऊपर भी मारा गया, जिसके कारण एक हमारे कार्यकर्ता का निधन भी हुआ। इस सब चीज़ को देखते हुए बिहार की जनता लाठी गोली का जवाब हस्ताक्षर के द्वारा दी है और इसका बहुत चारों तरफ गलत मैसेज गया है। महाजन में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है राज्य सरकार के खिलाफ। यह हस्ताक्षर अभियान उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए हैं, उन आशा बहनों के लिए हैं, उन नियोजित शिक्षकों के लिए हैं जिन्होंने कभी अपने अधिकार के मांग के लिए इस निरंकुश सरकार से लाठी खाया है। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से हमेशा यह सरकार लोकतंत्र की हत्या करते आ रही है। इस लोकतंत्र बचाने के लिए युवा मोर्चा, भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा एक प्रोग्राम का, एक इस हस्ताक्षर अभियान का आयोजन पूरे राज्य व्यापी तरीके से हरेक जिले में हो रहा है। इस आयोजन के मार्फत इस निरंकुश सरकार के विरोध में आम जन लोग एक हस्ताक्षर के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे।